तो अभी आपको मुझे देखकर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैं ट्रेन में हूँ। तो ये ICE ट्रेन है, तो सुपर फास्ट ट्रेन है जर्मनी। ICE का फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊँगी, देखकर मुझे मालूम नहीं आ रहा अभी। तो एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे, मैं कहीं गई नहीं थी, मैं जर्मनी में ही थी, फ्रैंकफर्ट में ही थी। तो आज हमने सोचा एक छोटा सा डे ट्रिप प्लान करते हैं। तो बाकी चीज़ें तो बंद है, बट एटलीस्ट हम सिटी घूम पाएंगे, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं क्लोन, तो ओल्डेस्ट सिटी इन जर्मनी। वहाँ का कैथेड्रल बहुत फेमस है, इट्स हेरिटेज साइट एज वेल, यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो इट्स लाइक मस्ट विजिट प्लेस इन यूरोप। अगर आप जर्मनी में हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस, जहाँ जाना चाहिए और वो कैथेड्रल को देखना चाहिए। उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। तो फिर हम वहीं जा रहे हैं। अभी हमने ट्रेन ली फ्रैंकफर्ट से क्लोन की, टोटल डिस्टेंस है 2 आवर्स की जर्नी है। तो ऑलमोस्ट हाफ हमने कवर कर लिया, जस्ट हाफ मोर टू कवर और फिर हम पहुंच जाएंगे क्लोन। तो मैं आपको दिखाऊंगी सिटी कैसा है अभी और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने की। तो आप देखते रहो मेरा वीडियो एंड तक और मेरे साथ आप भी क्लोन घूमो। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ क्लोन और द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो उसका सबसे मोस्ट विजिटिंग प्लेस है क्लोन कैथेड्रल, वो स्टेशन से बाहर निकलते ही है। तो जैसे ही आप स्टेशन हॉबन हॉफ, आप मेरे पीछे देख सकते हो हॉबन हॉफ, तो जैसे ही हम सेंट्रल स्टेशन के बाहर निकले, जस्ट आउटसाइड यू कैन सी द कैथेड्रल। और जैसा कि इसके बारे में बताया गया है ना, एंड बिल्कुल वैसे ही, इट्स द रियल ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत कैथेड्रल है, इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट कैथेड्रल इन यूरोप, आई एम सेकेंड टॉलेस्ट कैथेड्रल इन यूरोप। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं लॉक ब्रिज। आई डोंट नो, मुझे इसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी हम लॉक ब्रिज जा रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ पर जाकर अपनी विश मांग कर, लॉक लगा कर चाबी को फेंकने से आपकी विश पूरी होती है। वहाँ से कैथेड्रल का व्यू भी बहुत सुंदर आता है।
देखो आप, बस 5 मिनट के वॉक के बाद फ्रॉम कैथेड्रल मैं पहुंच गई हूँ लवलॉक ब्रिज क्लोन में। ये ब्रिज इतना खूबसूरत सजा हुआ है विद दिस लव लॉक्स, जो कि मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स, अगर मैं आप गूगल करोगे तो इट्स अराउंड 40,000 पैडलॉक्स यहाँ पे लगे हैं। और इसको बहुत ही फेमस माना जाता है फॉर लवर्स, मेजरली जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं एंड दे आई मीन एज अ साइन ऑफ द लव दे पुट दिस लव लॉक यहाँ पर। और ये पूरा राइन रिवर पे जो इट्स ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद दिस लव लॉक्स। पीछे मेरे चर्च देख लो, ये सेंट मार्टिन चर्च है, बहुत फेमस है यहाँ, बहुत ही फेमस चर्च है यहाँ। और ये बिल्कुल ये 5 मिनट का वॉक है सेंट्रल स्टेशन से, बाहर निकलो वहाँ पे कैथेड्रल है और कैथेड्रल से जस्ट 5 मिनट वॉक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाते हो। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये बैक साइड ऑफ क्लोन कैथेड्रल है। रात को जब यहाँ पे लाइट्स जल जाती है तो ये और भी खूबसूरत लगता है। अब भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का चॉकलेट म्यूज़ियम। ये बिल्कुल शिप की तरह बना हुआ है, मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, और जैसे कि इसका नाम है चॉकलेट म्यूज़ियम, इट्स फुल ऑफ चॉकलेट्स। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये बंद है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते, बट हाँ बाहर से हम इसको ज़रूर देख सकते हैं। जब ये ओपन होता है तो इसकी एंट्री टिकट अराउंड 13.50 होती है ऑन वीकेंड्स एंड 12.70 ऑन वीकडेज फॉर एडल्ट। बट अभी तो बाहर से देखना है, और ये बाहर से देखने में बिल्कुल ही शिप के स्ट्रक्चर का और बहुत ही सुंदर है, मैं दिखाती हूँ आपको। यू कैन फाइंड वाइड वैरायटीज ऑफ चॉकलेट इनसाइड, स्पेशली लिंट के चॉकलेट्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। एंड चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है यहाँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है अंदर, जैसा कि मैंने सुना है। मैं गई नहीं हूँ अंदर और आज भी अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाऊँगी, बट चलो देखते हैं व्हाट ऑल वी कैन सी। ये यहाँ का टिकट काउंटर है बैक साइड, और ये भी ओल्ड टाउन के बहुत पास है। ओल्ड टाउन एंड कैथेड्रल से जस्ट 15 मिनट्स ऑफ वॉक, 750 मीटर्स फ्रॉम कैथेड्रल, तो आप आराम से 15 मिनट का वॉक करके यहाँ आ सकते हो।
ये मैं अभी क्लोन के शॉपिंग स्ट्रीट में हूँ. मोस्टली सारे स्टोर्स बंद है, बट यहाँ पे पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है. इट्स लाइक आप वेबसाइट पे बुक करो और यहाँ पे आके स्टोर से पिक कर लो. बट स्टिल यहाँ पे इतनी भीड़ है. दो जर्मनी में रिस्ट्रिक्शंस है, इट्स अ काइंड ऑफ लॉकडाउन है, स्टोर्स बंद है, लेकिन तभी भी ये स्ट्रीट फुल है, बिल्कुल लोगों से भरा हुआ है. और अभी पीछे वेफल का शॉप था, देन फ्राइज़ का एक छोटा सा आउटलेट था फ्रेंच फ्राइज़ का, और उसके बाहर लिटरली लंबी क्यू. तो इट्स लाइक कि लाइफ चल रही है, लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, बट हाँ थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं तो प्रिकॉशन के साथ घूम रहे हैं. तो इसी के साथ मेरा ये डे ट्रिप अब ख़त्म होता है. 10-15 मिनट हैं अभी हमारी ट्रेन को, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट घूम लें एंड देन वापस स्टेशन, और फिर ट्रेन लेकर सीधे 2 घंटे में फ्रैंकफर्ट. गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.